हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टेस्टी सागो कस्टर्ड रेसिपी के लिए शेयर करने जा रही हूँ। मैंगो फ्रूट कस्टर्ड है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके लिए मैंने 750 ml दूध ले लिया है और इसको हमने बॉयल करना है। इस दूध को उबाल लाना है और एक कटोरी दूध मैंने अलग निकाल लिया था। इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप। और उसको लिए आपको दूध थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो इसके लम्स हैं वो दूध में जा कर के बिल्कुल हट जाएंगे। अब ये दूध में देखिए हमारा बॉयल आ गया है। अब ये एक कटोरी साबूदाना मैंने भिगो करके 1 घंटे के लिए रख दिया था और उसे छलनी में छान करके इस तरह कर लिया था। अब इस साबूदाना को पहले हम इसमें दूध में डाल करके मिक्स कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग सकता है, तो उसे हमें लगातार चलाते रहना है। और 4 से 5 मैंने सैफ्रन के स्ट्रिंग डाल दिए हैं। अब इसमें 1 कटोरी चीनी मैंने डाल दी। शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी खाना चाहें आप। ब्राउन शुगर का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है क्योंकि हम इसमें ये पक जाएंगे, गाढ़ा हो जाएगा ये कस्टर्ड। और ये बिल्कुल थोड़ा सा इसका जो वो है, ये थोड़ा सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। अब इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिल्क है ये मिक्स कर दिया है इसमें। तो इसको मिल्क डालने से इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो अगर मिल्क नहीं है, पाउडर नहीं है आपके पास, तो इसको आप थोड़ी देर और पका सकते हैं। बस ये इसके बाद बहुत ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें इसको नहीं करना है। 5 मिनट के अंदर ये डालने के बाद ये हो जाता है। अब इसमें हम एक बॉयल आने देंगे, इसमें भी अच्छे से इसे मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है लगातार धीरे धीरे। इसमें अब मैं टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर 1 चम्मच मैं और इसके अंदर डाल दूँगी अच्छे से, ताकि इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा आ जाए। बस अभी हमारा लगभग देखिए इसमें बॉयल आ गया है और ये होने वाला है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे हमें नहीं करना क्योंकि ठंडा जब हम करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। उसे हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। अभी 1 ग्लासेस में मैंने सबसे नीचे मैंगो कट करके डाले हैं और थोड़े से अनार के दाने डाले हैं। और ये जो सागो कस्टर्ड मैंने ठंडा कर लिया था, इसको हम इस ग्लासेस में सर्व कर लेंगे। इस तरीके से लेयर बना लेंगे इसकी, फिर हम इसके बाद फ्रूट्स की लेयर बना लेंगे। फ्रूट्स आप कोई भी हो, सीजनल वो ले सकते हैं। इस समय मैंगो का सीज़न है तो मैंने मैंगो लिया है। और फिर ऊपर से इसकी लेयर एक बना देंगे सागो कस्टर्ड की, अच्छे से फिल कर देंगे। और ऊपर से ये मैंने थोड़े से एप्पल काट के ले लिए हैं, थोड़ा सा ही मैं इसमें जो भी फ्रूट्स हों आपके पास आप वो डाल दीजिए, अनार के दाने। ऊपर से थोड़े से मैंगो इसमें डाल देंगे हम, क्योंकि मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ऊपर से मैंने चॉप बादाम और पिस्ता काजू थोड़े से डाल दिए हैं। इसी तरह से एक बड़े गिलास को भी मैंने ऐसे असेंबल कर लिया था। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, ठंडा करके आप इसको सर्व कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।